हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है। इसमें नीचे लगाने के लिए मैंने ये टैटून लिए और इस तरह की ये लेस की पट्टी आती है, जो पट्टी ली है। इस पट्टी से आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलो अब हम अपनी ये 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी ये पट्टी ली है। ये मेरे 2 कलर की पट्टी है, इसमें ग्रीन और ब्लू कलर का है कलर है इसमें। ये पट्टी मैंने 3.5 इंच चौड़ाई की ली है और इस पट्टी को मैं 25 इंच लंबाई की लेती हूँ। ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनेगी। ये मैंने 1 इंच जितनी हमारे पट्टी की लंबाई होती लंबाई ली और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली, जो हम नीचे की तरफ लगाएंगे अपनी ड्रेस में। ये इसकी चोली बनाने के लिए मैंने 7 इंच लंबा कपड़ा लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो लगभग हमारा 1 इंच बन जाएगी डबल फोल्ड करने से। इस तरह हमारी ये ऊपर की चोली बन जाएगी और इस तरह की लेस की पट्टी से हम अपनी ड्रेस के ऊपर डेकोरेट करेंगे। ऐसे मैंने ये इतनी चौड़ी एक पट्टी काट ली है जो हम अपनी ड्रेस के ऊपर लगाएंगे। तो चलो हम इसे सिलना शुरू करते हैं। और इसे साइड में लगाने के लिए मैंने ये टिश्यू रिबन लिया है, जिसे मैं इसे साइड में लगाऊंगी। तो चलो अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये पट्टी लेते हैं और अपना ये टैट्रोन का पीस लेंगे। इस टैट्रोन को पीस को अपने पट्टी के नीचे इस तरह से मैं सिलाई करूंगी। ये मैं ग्रीन वाले जगह पे सिलाई करती हूँ उसकी, तो मैं इसके इस तरह फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर लेती इस तरह। मैंने अपनी पट्टी पे पीछे टैटून लगा ली। अब इस पट्टी के ऊपर हम अपनी जो हमने अपनी लेस में से ये पट्टी काटी थी उस पट्टी को इस तरह से इसके नीचे यहाँ पे, चाहे तो हम इसे सिलाई मशीन से लगा देंगे या इसे हॉट ग्लू से लगा देंगे। तो हम इसे आज सिलाई मशीन से लगा के दिखा रही हूँ, नहीं तो आप इसे हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं। और इसी पट्टी में से मैंने इस तरह के चौकोर पीस काटे हैं, दो दो के चौकोर पीस काटे। इन चौकोर पीस को जो हमारे दोनों कलर मिलते हैं वहाँ पे इस तरह से हम इन्हें तिकोना लगाएंगे इस तरह से। चाहे तो आप हॉट ग्लू से लगा सकते हैं या फिर इसे सिलाई मशीन से लगा लें या फिर हाथ से, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे लगा लें। तो मैं आपको नीचे की पट्टी लगा के दिखाती हूँ। इस तरह मैंने नीचे की तरफ अपनी सीधी पट्टी लगा ली है और यहाँ पे जो हमने दो दो पीस काटे थे उन्हें तिरछा मैंने सिलाई मशीन से ही लगा ली। अब इसके अंदर हम प्लेट भरेंगे। प्लेट भरने से पहले इसमें साइड में टिश्यू रिबन से इसे मैं सिक्योर करती हूँ। तीसरा टिश्यू रिबन लेते हैं मैं और इस तरह से लगा के इसके दोनों तरफ मैं इस तरह से सिलाई लगा देती हूँ। तो मैं टिश्यू रिबन लगा के ले आती हूँ।
अब हम अपनी चोली की पट्टी लेते हैं और इसे उल्टा करके उल्टी तरफ से इसमें दोनों मुंह के ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इसलिए मैंने इसके दोनों मुंह के ऊपर टिश्यू रिबन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से अपने एक मुंह को लेंगे और इस तरह से इसमें प्लेटें डालते जाएंगे। इसमें प्लेटें हमें इस तरह से डालनी है कि हमारी चोली इस पर सही आ जाए। इस तरह से बिल्कुल पास पास हम इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। तो मैं आपको प्लेट डाल के दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये चोली भी तैयार कर ली है। हमने इसे सीधा तो कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जिस तरह हमने तिकोने लगाए उसी तरह इस पर लगा के मैंने तिकोने लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके मैं ये दो पीस कर लेती हूँ, फिर इसे अपनी चोली पे मैं इस तरह से जोड़ दूंगी। तो मैं इसको हल्का सा यहाँ से किसी सिलाई लगा लूँगी और फिर इस चोली को अपने को जोड़ दूंगी। तो सबसे पहले हम अपनी प्लेट डालते हैं। तो मैं आपको प्लेट डालना बताती हूँ। इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे। अब हम अपनी पट्टी लेते हैं और इस तरह से पट्टी में प्लेटें डालते हुए इसकी सिलाई कर देते हैं। सभी सारी प्लेटें डाल के इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह मैंने इसमें ये प्लेटें डाल के इसे कंप्लीट कर लिया। प्लेट डालने के बाद इस तरह से हमारे ये घेरा बन जाता है। मैंने अपनी चोली भी तैयार कर ली है। अब इस चोली को हम सेंटर से इस तरह से जोड़ देंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से सेंटर में जोड़ देंगे और फिर इस वाले से को यहाँ छोड़ देंगे, जो बीच में हम इसमें हल्का सा गैप छोड़ देंगे क्योंकि छोटी ड्रेस रहती है तो पहनाने में हमें आसानी रहेगी। इस तरह से मैं इसमें मैंने यहाँ बाजू की सिलाई नहीं की है, सिर्फ आगे की सिलाई की है और इस तरह से मैं इसे जोड़ देती हूँ। तो मैं इसकी ये सिलाई करती हूँ। अब हम अपना घेरा लेते हैं, इसके ऊपर हम चोली लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर में अपनी चोली के आगे के हिस्से को हम लगा लेते हैं। इस तरह आगे को इससे लगा के इसकी सिलाई कर देते हैं। इस तरह हमने आगे का हिस्सा लगा लिया। अब पीछे के दोनों हिस्से को हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो इस हिस्से को हम इस तरह से पकड़ के फिर इस आगे की तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे जिससे आसानी रहती है। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे चोली लगा ली है। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।